जगन्नाथ फ्रेंड्स, ओडिशा पुलिस कॉन्स्टेबल पाई क्लास 4 जीके सेट 4 आज हम डिस्कशन करवा। तो आज टी अधिक क्वेश्चन जाना जेहेतु फेब्रुआरी 12 आपंकर एग्जाम हे। सो एबे आम 25-30 डेली क्वेश्चन छाड़ा जहाद्वारा कि सब सिलेबस रु ओवरऑल टॉपिक जिते भी अच्छे सब कवर हो पार। तो यार पीडीएफ आपण मानक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप दे लिंक देदेवि से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो डेरी न कर आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न, हुईच रिवल्यूशन व्वाज आसोसीएटेड व्विथ अपरेसन फ्लोड, हुईच व्वाज लंच इन 1970। तो अपरेसन फ्लोड, तो अपरेसन फ्लोड देखो किए के क्या कहुए। तो अप्सन ए ह्वैट रिवल्यूशन। ह्वैट रिवल्यूशन क्या सहित जड़ित, मिल्क सहित जड़ित, क्या तार कहुए। तो फादर अफ ह्वैट रिवल्यूशन किए ना भर्गिज कुरियन। तो इम्पोर्टाट मन रखु भर्गिज कुरियन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 लक्ष्य सेन ओन द गोल्ड मेडल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो लक्ष्य सेन के स्पोर्ट्स जड़ित, तो देखो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स टर्मोलॉजी देन स्पोर्ट्स पर्सन आ स्पोर्ट्स किए जीति को चैंपियनशिप्स। तो युवा सब इम्पोर्टाट मन रखे। तो मुझे डिटेल भिड बनईदेवि जपरिक आज कॉन्फ्रेंसेस कन्वेनसनस एंड प्रोटोकल्स गोटे भिडियो बनई। तो जब आप देखी नाक देखी निटू एक रु दुई मार्क जो ओडिशा गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम दि एक रु दुई मार्क आसूँ। तो निश्चित रूप से देखी ना देखी नि देन लोकेशन क्या सहित जड़ित, ऑप्शन बी बैडमिंटन सहित जड़ित। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड इंडियाज फास्ट इंटरनाजल कोविड 19 वैक्सीन। तो फास्ट किए कर, तो फास्ट है भारत बायोटेक। ऑप्शन ए है सटीक उत्तर। फास्ट भारत कोविशील्ड कौन फास्ट कोविशील्डा हैला फास्ट वैक्सीन भारत हैला कोविड 19 रो फास्ट वैक्सीन। तो प्रथमे किए या को बनाइला, तो बनाइला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बनाइला। किंतु ना इंटरनेशनल वैक्सीन किए बनाइला, तो भारत बायोटेक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड द प्रीएम्बल एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए अच्छे माधव राव, आलादी कृष्णस्वामी आयर, डॉक्टर बी आर आंबेडकर एंड ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो यार सटीक उत्तर है ऑप्शन डी। तो प्रीएम्बल को से कौन कहते पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जिनसा कही। तो इम्पोर्टाट या भी मन रखिए। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, हु एमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्टान्स स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार किए स्टार्ट करते, कुतुब मीनार स्टार्ट करते ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन आईबाग। तो मोर प्रश्न, कुतुबुद्दीन आईबाग जदि स्टार्ट करते तेबे एंड किए करते, तो सेटा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु कुतुब मीनार को किए एंड करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा 6 नंबर क्वेश्चन, दोरा विषय वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ओडिशा। डोरा विषय देखो ऑप्शन अच्छी, भूया राइजिंग, पारलाखेमुंडी अपराइजिंग, घुमसुर राइजिंग्स, संबलपुर अपराइजिंग। तो देखो यार सटीक उत्तर है ऑप्शन सी घुमसुर राइजिंग्स। तो डोरा विषय घुमसुर राइजिंग सहित जड़ित। देन संबलपुर अपराइजिंग सहित किए जड़ित, वीर सुरेन्द्र साय, वीर सुरेन्द्र साय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज कलेक्टिवली कॉल्ड। तो आमर जो अच्छे टैक्सेशन आउ पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी कलेक्टिवली कौन कह जाए। तो ऑप्शन ए अच्छे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑप्शन बी अच्छे एक्जिम पॉलिसी माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, देन मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन डी है फिस्काल पॉलिसी। तो यार सटीक उत्तर है ऑप्शन डी, कह जाए फिस्काल पॉलिसी। देखो ये इकोनोमी क्वेश्चन, इकोनोमी बहुत रेयर क्वेश्चन आसे, तेणु मु एक रु दुईटा जमा क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन अश्वनी वाज नेम्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो साइक्लोन अश्वनी आपण मैंने अश्वनी विषय जानते हैं, तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ईरान, किए यार नामकरण कर। तो ऑप्शन सी श्रीलंका इज द राइट आंसर। तो साइक्लोन अश्वनी नामकरण किए कर श्रीलंका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका रु भारत को केबे आसतिले। तो ऑप्शन अच्छे 1910, 1915, 1921, 1934। तो यार सटीक उत्तर है ऑप्शन बी 1915। देखो 1915 गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले, जहाँ को महात्मा गांधी निज राजनीतिक गुरु मानती,
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତ 1915ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଜାନୁଆରୀ 9କୁ ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 9କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଦେନ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ 10 ହେଲା କ'ଣ, ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ, ୱାର୍ଲଡ ହିନ୍ଦୀ ଡେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୋୟାର ୱାଚ୍ ଆର୍ଥ ସମିଟ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ 1992। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କନଭେନସନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନଭେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କହିଥିଲି, ସେଥିରେ କହିଥିଲେ ରିଓ ସମିଟ୍। ତ ରିଓ ସମିଟ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ 1992ରେ, କେଉଁଠି, ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଡି, ବ୍ରାଜିଲ। ରିଓଟା କେଉଁଠି, ବ୍ରାଜିଲ, ରିଓ ଡି ଜାନିରିଓ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ହୋଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ମେଡେନ୍ ମୋଟୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରେସ୍ ଇନ୍ 2023। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେବ, ମୋଟୋ ଜିପି ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2023। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ବାଦଶାହନାମା। ତ ବାଦଶାହନାମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା କାହା ବିଷୟରେ, କାହା ନାମରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ବାଦଶାହନାମା ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନ, ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନାମରେ। ଦେନ୍ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି, ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଲାହୋରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରିଜନ୍ସ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅର୍କାଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫର୍ ଦେୟାର ଫୁଡ଼ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ତ କେଉଁ ରିଜନ୍ରେ ଅଧିକା ଫୁଡ଼ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରପିକାଲ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଜନ୍ସ, ତୁନ୍ଦ୍ରା ରିଜନ୍ସ, ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଇକ୍ୱିଲେଟେରିଆଲ ରିଜନ୍ସ, ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍ ରିଜନ୍ସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍ ରିଜନ୍। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅର୍କାଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବା ଫୁଡ଼ ବାସ୍କେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଯାହା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଆଜ୍ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସାଇଟ୍। ତ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମସାର କନଭେନସନ୍ ବିଷୟରେ ଗତକାଲି କହିଥିଲି, ସାତକୋଶିଆ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ତ ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ପାଇକ ରିବେଲିଅନ୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍। ତ ପାଇକ ରିବେଲିଅନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିଲା, ତ ପାଇକ ରିବେଲିଅନ୍କୁ କିଏ ଲିଡ଼ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ସେନ୍ତ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତ ଅପସନ୍ ସି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପାଇକ ରିବେଲିଅନ୍ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପାଇକ ରିବେଲିଅନ୍ କରିଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ 1817, କିନ୍ତୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ 1803 କ'ଣ ସେ କରିଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିଅନ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିଅନ୍ର ସୂତ୍ରଧର। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ଡାଉଟ୍ ରହିବେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଆଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିବେଲିଅନ୍, କେବେ 1803-4, 1803-04। ଦେନ୍ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 1817, ପାଇକ ରିବେଲିଅନ୍। 16 ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା, ହୁ ହାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିକମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ କମ୍ବାଟ୍ ଏଭିଏଟର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଅଛି ଅବନୀ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଅଲକା ଖୁରାନା, ଶିବାନୀ ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଭିଳାଷା ବରାଗ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, ଅଭିଳାଷା ବରାଗ, ଯିଏକି ହେଲା କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ କମ୍ବାଟ୍ ଏଭିଏଟର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଆନାଉନ୍ସ କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆସ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଇନ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ। ତ କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆସ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଆହ୍ଲାବାଦରେ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1858, 1858। ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ କେବେ ଥିଲା, 1858 ସମୟରେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1858ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇ 1858ରୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରାଉନ୍ ରୁଲ୍। କ'ଣ ପାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରାଉନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ତା ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଦ ସର୍ବୋଦୟ ପ୍ଲାନ୍ 1950ରେ। ତ 1950ରେ ସର୍ବୋଦୟ ପ୍ଲାନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ, ତ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ, ତ ଜେପି ନାରାୟଣ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କରିଥିଲେ ସର୍ବୋଦୟ ପ୍ଲାନ୍। ଦେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ଏନ୍ ରୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏମ୍ଏନ୍ ରୟ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ଲାନ୍। ସର୍ବୋଦୟ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲେ ଜେପି ନାରାୟଣ, ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଏମ୍ଏନ୍ ରୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୁରୀ ୱାଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଇନାଷ୍ଟି କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟିରେ ବନାଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ, ତ ଅପସନ୍ ଡି, ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫିସିଆଲି ଆଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଦ G20 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅନ୍ December 1, 2022। ତ ଅଫିସିଆଲି କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି G20ର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସରେ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି G20ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ G20 ସମିଟ୍
2023 रे कोठे हो भारत रे हबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आज प्लानिंग कमिशन वाज सेट अप इन इंडिया को ईयर रे, तो ऑप्शन ए रहछि 47, ऑप्शन बी रहछि 1955, 1950, 1960। तो यार सठिक उत्तर होला ऑप्शन सी 1950 रे प्लानिंग कमिशन करा जायतला। बर्तमान प्लानिंग कमिशन को उठाई छि कोन कहै छै, प्लानिंग कमिशन बदले कोन आछि, नीति आयोग। नीति आयोग मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु नीति आयोगर, नीति आयोगर सीईओ के होछन्ति, तो एटा मन अनते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इन व्हिच ईयर साइमन कमिशन अराइव इन इंडिया, तो साइमन कमिशन केबे आसतले, साइमन कमिशन 1928 रे आसतले, ऑप्शन डी होला सटीक उत्तर। साइमन कमिशन को विरोध करी केबे 1928 रे जो विरोध होतला से समय रे कोन होतला, से समय रे नार लागतला साइमन कमिशन गो बैक। तो से जो लाठी मार रे किए हमर लाला लजपत राय, मन रखंतु लाला लजपत राय पंजाब केसरी, तो लाला लजपत रायर मृत्यु होता इंपोर्टाट एम एग्जाम क्वेश्चन आसपा। दे नेक्स्ट क्वेश्चन व्वेयर इज इंडिया ओनली आक्टिव वोल्केनो, ये क्वेश्चन टाइम आगुरी कही गोटे अन्य प्रकार क्वेश्चन था कि यार सठिक उत्तर है ब्यारेन आइलैंड। ब्यारेन आइलैंड कौटे अच्छी कही आगुरी, ब्यारेन आइलैंड अच्छी आंडामान एंड निकोबर, गत काली क्वेश्चन में मैं भी कही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, इन अगस्त 2022 इंडिया फास्ट अर्थक्वेक मेमोरियल वाज इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट, तो इनॉग्रेट के स्टेट कर, ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात कर कौन अर्थक्वेक मेमोरियल, तो गुजरात आउ कौन अच्छी आपली मैरिटाइम म्यूजियम, इंपोर्टेंट मन रखु मैरिटाइम म्यूजियम, गत काली भी कही क्वेश्चन मैरिटाइम म्यूजियम कौटे अच्छी लोकथाल। देन गिफ्ट सिटी तापर मोरबी ब्रिज ट्राजेडी, मोरबी ब्रिज ट्राजेडी। देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिसेंट जत सब घटे से विषय कौच। देन नेक्स्ट 25 नंबर आज लास्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज पेपर केसरी, तो केसरी न्यूज पेपर किए बनाईला, तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक केसरी न्यूज पेपर फाउंड करते। तो आज है सठी आज 25टा क्वेश्चन सर जाइए, तो आपण मैंने 25 रु केत मार्क रखिले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ, एवं जदि वीडियो भल लाइक करूँ और अधिक मात्रा सेयार करा भूलु ना। रहुची, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।